For the latest update, press the subscribe button and hit the bell icon. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर नौशीन है। आई एम वर्किंग एज ए डिपार्टमेंट न्यूट्रिशन पाकिस्तान एयरफोर्स हॉस्पिटल यूनिट 2 एंड न्यूट्रो एडवाइस इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक सेंटर एफएड में। सबसे पहले तो आपको रमजान की बहुत बहुत मुबारक हो और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज ओमान में रखे। आज का सेगमेंट हमारा इफ्तार से रिलेटेड है। जैसा कि हम सबको पता है कि रोजे काफी लंबे हैं, हमने जिस बात का खास ख्याल रखना है वो ये है कि हमने अपने आप को डिहाइड्रेशन नहीं होने देनी। डिहाइड्रेशन से बचने के लिए सबसे बेस्ट तरीका यह है कि हमने अपने पानी के इनटेक को मेंटेन करना है। कोशिश करें कि अफ्तारी के वक्त आप 2 ग्लास पानी अपने टारगेट रखें और उसके बाद अफ्तार से लेकर सोने तक का जो आपका टाइम है, यानी कि जो जिस टाइम आप सोने लगें उसमें आप अपने 4 से 6 ग्लास पानी को डिवाइड कर लें, या ऐसा भी हो सकता है कि हर घंटे में 1 ग्लास पानी लें और सहरी के टाइम पे आप 2 ग्लास पानी या 3 ग्लास पानी लेके आप अपने पूरे दिन की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। क्योंकि रोज़ा लंबा होगा और जब अफ्तार होती है तो हमें सबसे पहली चीज़ जो बेस्ट है, जो आपका रोज़ा खोलने में आपको हेल्प करेगी, वो आपकी खजूर है। क्योंकि ब्लड शुगर लेवल्स लो हुए होते हैं, जब आप खजूर खाते हैं, वन ऑफ द रिचेस्ट सोर्स जो आपको फौरन से आपको शुगर के स्पाइक देता है, आपके बूस्ट करता है आपके एनर्जी लेवल्स को। उसके बाद आप कोशिश करें जो आपका प्लेटर है जिसमें आपने अपनी अफ्तारी जमा की है वो आपके पास, अगर बहुत अच्छा शौकीन है आप पकौड़ों के तो पकौड़े आप एटलीस्ट हफ्ते में 2 दफ़ा ले सकते, ठीक है, वो भी कंट्रोल्ड। आप कोशिश करें कि आपका एक हेल्दी प्लेटर हो जिसमें चना चाट, लोबिया चाट, फ्रूट चाट, कोई भी ऐसी चीज हो जो आप उसको करें तो वो आपके लिए हेल्प आउट करेगी। डिनर आपका बहुत हेल्दी होना चाहिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स का पोर्शन, प्रोटीन्स और ताज़ा सलाद जरूर होनी चाहिए। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका आपने खास ख्याल रखना है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपना वेट मेंटेन करें तो कोशिश करें कि अफ्तार के बाद, डिनर के बाद आप वॉक पे जरूर जाएं। 30 मिनट्स वॉक आपको बहुत हेल्प आउट करेगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है।